दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया था लगभग पिछले 1 घंटे पहले और आपको देखने को मिल गया AGTF विज्ञापन, बहुत बहुत बधाई आप सभी अभ्यर्थियों को जो इतने बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थे इस वैकेंसी के लिए और अब ये वैकेंसी आपकी आ गई है। और जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल सटीक जानकारी दी थी, इसीलिए इतने दिनों से वो कोई वीडियो मैं नहीं डाल रहा था इसके रिलेटेड, क्योंकि कोई पक्का सबूत नहीं मिल पा रहा था। और जब मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल नियत मिली उसके बाद ही मैंने आपको जानकारी दी और आपको AGTF का विज्ञापन देखने को मिल गया। तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि नहीं आएगी, बट ये आप मान के चलिए कि कोई ऑथेंटिक जानकारी है तभी मैं देता हूँ। हाँ, कई बार होता है कि हमने बताया और हो सकता नहीं आए किसी कारणवश, बट जब इस बार ऑथेंटिक जानकारी थी इसीलिए आप मेरी वीडियो देखेंगे। मैंने उसमें बोल रखा है कि आज सबसे ज़्यादा चांसेस है 90% से ज़्यादा कि आ जाएगी, नहीं तो कल तक तो आ ही जाती। तो आपकी वैकेंसी आ गई है, आप लोगों को अग्रिम बधाई और आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी को अपनी तैयारी को बिल्कुल धारदार बनाइए। और बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई है तो इसको, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है। दूसरा, आप देख सकते हैं इसमें इस विज्ञापन को मैं आपको दिखाता हूँ, एक संक्षिप्त उसका विवरण दे देता हूँ, उसके बाद आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कैसे तैयारी करें, किस तरह से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आइए विज्ञापन पर एक नज़र मारते हैं और जो लोग नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि रखी गई है वो आज 4 मार्च, जो कि आपको बताई थी। और आपका जो आवेदन होगा ये 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका शुल्क जो आपका जमा होगा या आवेदन शुल्क, ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं 1 मई से, और जो लास्ट तिथि है वो 31 मई है, ठीक है। और संशोधन आप 7 जून तक कर सकते हैं। तो ये आपकी वैकेंसी जो है टोटल 1 मई से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, 7 जून को तक, 31 मई तक आप भर सकते हैं और 7 जून तक संशोधन हो सकता है। आगे देखते हैं, ये सब बातें बात करेंगे। जो कुल रिक्त पद हैं वो हैं 3446, ठीक है। 3446 पदों पर आपकी जो है ये भर्ती आई हुई है, तो आपको बिल्कुल अब लग जाना है। बाकी बातें हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा उसमें करूंगा, तो क्या क्या इसका सिलेबस है और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी बातें उसमें की जाएंगी। इसमें एक न्यायालय का निर्णय भी दिया गया है, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और 2384 याचियों के निर्देशानुसार जो है ये सब निर्णय लिया गया है, इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग अभी बस इतना ध्यान रखिए कि आपको तैयारी में जुट जाना है, आपको मतलब भर का टाइम भी मिल गया है। और ये जून तक अगर संशोधन होगा तो जुलाई के पहले आपका पेपर नहीं होना है, जुलाई अगस्त जहाँ तक प्रस्तावित है कि अगस्त में आपका इसका पेपर हो सकता है, ठीक है। आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं 25 रुपये सबसे लिया गया है अभी, उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको और पे करना होगा, ठीक है। टोटल आपको वैकेंसी बता दूं मैं तो, अनारक्षित की 1813 है, अनुसूचित जाति की 509, अनुसूचित जनजाति की 151, अन्य पिछड़ा वर्ग की 629, EWS की 344 और कुल पद आपके 3446 पद हैं। ग्रेड पे जो आपका है 25,500 से लेके 81,100 तक है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बाकी सिलेबस की बात करें, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इसमें एलिजिबल कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष, यथा BSc ऑनर्स कृषि, BSc उद्यान, BSc ऑनर्स उद्यान, BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BTech कृषि अभियंत्रण, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त BSc गृह विज्ञान कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। तो आप लोग इतने लोग हैं तो एलिजिबिलिटी आपकी है, ठीक है। तो बाद में इसमें फिर हम डिटेल चर्चा करेंगे दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।